ये बात बताया कि भक्ति जो चाहता है उसको तर्क वितर्क के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, वाद विवाद नहीं पड़ना। जब दुकानदार अपनी वस्तु ग्राहक के हाथ भेजना चाहता है तो उसको एक पसंद ना आवे तो दूसरी दिखाता है, दूसरी ना आवे तो तीसरी दिखाता है, प्रेम से बोलता है, मीठा बोलता है। अगर ग्राहक से वो तर्क वितर्क करने लग जाए तो वो चला जाएगा, फिर आवेगा नहीं। और ग्राहक भी दुकानदार से लेना तो चाहता है उधार, तर्क वितर्क करे तो कैसे मिलेगा। शास्त्रार्थ में हम किसी को हरा दें और फिर चाहें कि ये भक्त हो जाए तो वो तो हीनता आ जाएगी उसके चित्त में, गिलानी आ जाएगी, वो तो विमुख हो जाएगा। दांत दपट के भक्ति नहीं कराई जाते, तर्क वितर्क दांत दपट ये सब छोड़ देना चाहिए। हमारा एक स्कूल है मारवाड़ में, तो वहाँ जब लड़का शामिल होता है ना, भर्ती हुआ, तो यज्ञोपवीत संस्कार होता है, पीला कपड़ा पहनाते हैं, दंड देते हैं पलाश का हाथ में। अब वो चार पांच बरस वहाँ रहता है ना, तो अखबार नहीं पढ़ने देते हैं, बाजार से चाट नहीं खाने देते हैं, पैसा नहीं देते हैं और सूट बूट नहीं पहनने देते हैं। अब चार पांच बरस तक वो ब्रह्मचारी जो हैं, आठ बरस तक भी कोई रहते हैं, बस महाराज यही गिनते रहते हैं कि कब हमारे दिन पूरे होंगे और यहाँ से जब निकलेंगे। तो जिस दिन निकलते हैं समावर्तन संस्कार हुआ, आठ बरस का संस्कार कोई काम नहीं देता, जाके बाजार में चाट खाते हैं और वो जो सीधा साधा बाल रहता है ना उसकी जगह पर वो बहुत शौकीन बाल छटवाते हैं और वो सबका सूट बनवाते हैं। क्या होता है, सूट ही बोलते हैं ना, हाँ हाँ सूट बनवाते हैं और अखबार पढ़ना शुरू करते हैं। भाई निकल गए, अब तो हो गया, वो तो समाप्त हो गया। तो जबरदस्ती किसी से भक्ति नहीं करवाई जाती है, बोला। अरे उसकी श्रद्धा हो, उसकी रुचि हो और बहस करके शास्त्रार्थ करके हरा के करने। तो भक्ति के लिए एक बात आप ध्यान में रखो कि जैसे आपको अपने बच्चे का शरीर निर्माण करना है तो वो खाली तर्क वितर्क से हुक्म देने से तो वो शरीर नहीं बनता है ना, उसकी सेवा करनी पड़ती है। ऐसे भक्ति माने अपने दिल को इतना मीठा बनाना, भक्ति माने दिल को मीठा बनाना, भक्ति माने दिल को कोमल बनाना, भक्ति माने दिल को ऐसा बनाना जिसको देख करके प्रियतम के लार टपकने लग जाएं, इस दिल को तो अब मैं चाहता हूँ। हृदय को सुंदर बनाने का नाम, हृदय को मधुर बनाने का नाम चित्त का निर्माण भक्ति का प्रयोजन है। जो उसमें दोष हुए उनका निवारण और उसमें सद्गुण का आधार, ये भक्ति का काम है। तो अब इस बात को समझ लो बढ़िया तौर पर कि जब हमें भक्ति के द्वारा अपने हृदय का निर्माण करना है तो जो भी काम हमारे हृदय को रूक्ष बनाता हो वो काम हमको नहीं करना चाहिए। हम सत्संग करने जाते हैं तो देखना वहां से क्या लेके आते हैं, बोले संशय लेके आए तो दिल रूखा हो गया। संशय जो है वो हृदय को रूक्ष बनाने वाला है। और श्रद्धा लेके आए तो हृदय में कोमलता आ गई। तो भाई भगवान से प्रेम बढ़ा कि घटा, तो ये जितने तर्क वितर्क आदि हैं ये संशय बढ़ाने वाले हैं, चंचलता बढ़ाने वाले हैं, चित्त की रुखाई को बढ़ाने वाले हैं। ये बहुत घाटे का सौदा है, इससे जो चीज हम चाहते थे वही नहीं मिलेगा। बल्कि जो हृदय का निर्माण करने वाले लोग हैं वो तो यूं कहते हैं कि हमको एक शुद्ध हृदय चाहिए, एक कोमल हृदय चाहिए और उसके ऊपर अगर एक ब्रह्मांड को निछावर कर देना पड़े। आपने गांधी जी की बात वो सुनी होगी, हमको स्वतंत्रता प्रिय नहीं है, अहिंसा प्रिय है। जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए थे ना, जब वहाँ उन्होंने कहा था हमको स्वतंत्रता प्रिय नहीं है, हमको अहिंसा प्रिय है, ऐसे वहाँ उस समय देखो गांधी जी के मुंह से वो बात निकली थी। बोले हमको भक्ति प्रिय है, हमको ब्रह्मांड का उत्कर्ष प्रिय नहीं है, हमको भौतिक निर्माण बलिदान करके भी यदि हृदय का हमारे निर्माण होता हो तो हम हृदय का निर्माण करने के लिए तैयार हैं,
ऐसी जिसकी वृत्ति होती है वो भक्त होता है, जो अपने दिल का बलिदान करके और भौतिक उत्कर्ष चाहता है, भौतिक उन्नति चाहता है, वो भक्त नहीं होता है। देखो, भगवान के लिए स्त्री में से मोह हटाना पड़ता है, पुत्र में से मोह हटाना पड़ता है, धन में से मोह हटाना पड़ता है, संसार की इज्जत प्रतिष्ठा का मोह हटाना पड़ता है, जस कीर्ति का मोह हटाना पड़ता है, तब हृदय में भक्ति बनती है। एक संग नहीं होई भुवाला, हसब ठठाई फुलाऊ बगाला, गाल भी फुलावे और ठठा के हंसे भी, ये दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती। संसार को महत्व भी दें और हृदय का निर्माण भी करें। तो हृदय में तो एक बहुत सुंदर, बहुत कोमल, बहुत मधुर भाव बनाना है, तो इसके लिए क्या करना, भक्ति शास्त्र का मनन करना। ये जब तक महात्म सुन सुन के जीवन चलता हो ना, कि बस हमने इतना दान दे दिया तो अब बैकुंठ में सीट हमारे लिए रिजर्व हो गई, हमने इतनी माला फेर ली तो अब भगवान हमारे बस में हो गए, उनको मिलना ही पड़ेगा, ये सब बात ध्यान में नहीं रखना। भगवान भी एक हृदय की एक स्थिति में मिलते हैं। भगवत अनुभूति होने के लिए, भगवत प्राप्ति होने के लिए दिल को एक खास अवस्था में जाना पड़ता है, हृदय का एक आकार बनता है, उस आकार में भगवान आते हैं और उस आकार में भगवान मिलते हैं, ऐसा वैसा नहीं। तो उस दिल को बनाने के लिए क्या करना, बोले भक्ति शास्त्र का मनन करो, उपनिषद का स्वाध्याय करो, पर उसकी टीका भक्ति परक जो हो ना वो पढ़ो, और ज्ञान के मार्ग में जाना हो तो जो ज्ञान परक टीका है उसको पढ़ो। दिल में वासना न हो, केवल बुद्धि को तीक्ष्ण करके भगवान को पाना हो तो ज्ञान प्रधान शास्त्र, और हृदय को मृदुल बना करके, कोमल बना करके भगवान के सामने पत्थरी में भेंट करना, महाराज लो ये, तो तब उसको उसके लिए भक्ति, वेदांत दर्शन भी पढ़ना, तो भक्ति के लिए भक्तों की जो टीका है सो पढ़ना। जहाँ जन्माद्यस्य जतः का अर्थ ये नहीं होता कि जतः से जन्मादि, वहाँ दूसरा ही अर्थ होता है, क्या होता है, आद्यस्य जन्म जतः अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, आद्यस्य भगवता कृष्णस्य पुरुषोत्तमस्य जतः जन्म, क्योंकि भगवान का जन्म हुआ है, आद्य माने भगवान। तो बोले ये किस तर्क से, किस वितर्क से सिद्ध है, कदा ना शास्त्र जो नित बात, ये केवल शास्त्र की बात है, कृपा करो, वहाँ केवल कोच नहीं चलता है, शास्त्र जो नित बात, श्रद्धा करो, विश्वास करो, भक्ति शास्त्र बहुत विलक्षण। तो इसमें क्या करना चाहिए कि मनन करो भक्ति शास्त्र का, भजनीय का स्वरूप क्या है, जिसका हम भजन करते हैं वो कौन है, भक्ति का स्वरूप क्या है, और जो भक्त है उसका स्वरूप क्या है, भक्त, भक्ति, भगवत, और इन तीनों को बताने वाला जो है, जो तीनों को लिखा दे वो गुरु हुआ। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम, बपु एक, ये नाम चार हैं, एक ही चीज के ये चार रूप हैं, इनके पद बंधन किए बिन सत बिघ्न अनेक। अब देखो, एक तो ये भक्ति की आवश्यकता देखो, थोड़ी भी गंभीरता से देखो तो संसार की भक्ति कहीं न कहीं तुम्हारी तबीयत उबी होगी जरूर, और न उबी होगी तो उब जाएगी आगे। हमने तो अपने वृंदावन में ऐसे हैं व्यक्ति जिनको 30-25-30 बरस से मैं जानता हूँ ना, उनको मैंने 10 आदमियों से प्रेम करते देखा है, 30 बरस के भीतर 10 प्रीतम उनके बदल गए, 10 प्रीतम, बोले तुम हमारे सर्वस्व, तुम हमारे प्राण, तुम हमारे हृदय ईश्वर, और महाराज बदलते जाते हैं। संसार में किसी की प्रीति कैसे स्थिर रह सकती है, जब तक ईश्वर से प्रेम नहीं करोगे, ईश्वर से प्रेम नहीं करोगे, स्थिरता कहाँ से आवेगी। पातालम व्रज या ही वासवपुरीम आरोह मेरो शिरहा, चाहे पाताल में जाओ, चाहे अमरावती में जाओ इंद्रपुरी में, चाहे सुमेरु के शिखर पर चढ़ो, पारावार परंपरा स्तर सात समुद्र पार कर जाओ, तथा प्यासा न शांतास्तव, फिर भी तुम्हारी आशा बढ़ती जाएगी, शांत नहीं होगी, आशा पिशाची परिमर्दिता नाम, अब मिलते हैं, अब मिलते हैं, अब मिलते हैं, ये आशा पिशाची रौद रही है मनुष्य के मन को,
तो आधि व्याधि जरा पराहत यदि क्षेमम निजम वांछसी, तुम्हारे मन में आधी लगी है, शरीर में व्याधि लगी है, बुढ़ापा सिर पर सवार है, मौत डंडा लिए खड़ी है, कब तलवार चलावे और गला कट जाए, हार ही हार तो है, आधि व्याधि जरा पराजित कर रही है दिन रात, क्या संसार में तुमको किसी ने हमेशा के लिए सुखी कर दिया? तो यदि क्षेमम निजम वांछसी, यदि अपना कल्याण चाहते हो तो श्री कृष्णेति रसायनम रसयरे, ये कृष्ण 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 श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, इस रसायन का रसास्वाद करो, शून्यई किमन्यई श्रमई, दूसरे जो श्रम हैं वो निष्फल हैं, उनसे कोई लाभ नहीं। तो इस बात का अनुभव जिससे होवे कि हमारे जीवन में भक्ति की आवश्यकता है, उस शास्त्र का स्वाध्याय करो। माने भक्ति ही सच्चा जीवन है, भक्ति ही सच्चा ज्ञान है, भक्ति ही सच्चा आनंद है, भक्ति से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। भगत बिनु बैल बिराने हुई हो, अगर भगवान की भक्ति नहीं करोगे तो किसी न किसी का बैल होना पड़ेगा, बैल जुआ होना पड़ेगा। तो भक्ति की आवश्यकता बना, जहाँ हम फंस रहे हैं, जहाँ हम फंस रहे हैं वो दुखद वस्तु है, यहाँ से छूटना जरूरी है और अपने मन को भगवान में लगाना जरूरी है। और लगाने से किस प्रयोजन की सिद्धि होगी, का भगवान हमारे हो जाएंगे। प्रयोजन आवश्यकता का विचार और प्रयोजन का विचार हो, जब हम भक्ति करेंगे तो भक्ति से हमको सच्चिदानंद घन भगवान मिलेंगे, उनके साथ हंसेंगे बोलेंगे खेलेंगे, सारे बंधन सारे दुख सारी मूढ़ता दूर हो जाएगी, जीवन का सच्चा प्रयोजन वही है। तो वर्तमान में जैसा हमारा जीवन है उसमें भगवत भक्ति की आवश्यकता है, और भगवत भक्ति मिलने पर हमको ये सुख मिलेगा। मननीयानी, एकांत में बैठ करके इसका विचार करना, ये नहीं कि बांच जाना पोथी में, पोथी में बांच नहीं जाना। रोज बांचते रहते महाराज, रामचरित मानस लोग गीता का कितना पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते अनित्य मधुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वभाव, ये लोक अनित्य है, ये लोक दुखद है। अरे ये तुमको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है ना अनित्यम, मनुष्य शरीर कैसा है, अनित्य है, असुखम, बंगला में असुख बोलते हैं रोग को, बंगला में असुख माने रोग होता है, रोग रूप ही है ये शरीर, रोग लगे हुए हैं इसमें। इमं प्राप्य भजस्व माम, ये मिल गया तो भगवान का भजन करो। दुखालयम अशाश्वतम, दुखालय है अशाश्वत है, भगवान का भजन करो। ये शरीर प्राप्ति का लाभ ही इसमें है कि भगवान का भजन करो। अब निश्चय करो कि भगवान का स्वरूप क्या है, भजनीय का, जिसका भजन करो। तो बोले भाई भगवान के बारे में ये कहना कि ये है और ये नहीं है, वो तो सब है, भगवान सब है। हो तो बोले फिर किसी का भजन करें, तो नहीं किसी का भजन मत करना, उसमें यही बात है। तो बोले हम तो बस चूहे को ही कहेंगे कि तुम भगवान हो, और हमारे मन में इतनी ताकत है और हमारे अहंकार में इतनी शक्ति है कि हम चूहे को भगवान बना लेंगे। अरे सीता राम कहो, तुम्हारे जैसे जीए कितने संसार में पैदा होते और मरते रहते हैं। इसके लिए जो गुरु का बताया हुआ भगवान का रूप हो, सिद्ध रूप, जो शास्त्र के द्वारा सिद्ध रूप हो, जो संप्रदाय के द्वारा स्वीकृत रूप हो, वो आपने सुना है ना, एक कोई ग्वालिनी थी, वो कथा सुनती थी। हो तो कथा सुनाते सुनाते एक दिन पंडित जी ने कहा कि जो भगवान का नाम लेता है, सीताराम 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 करता है ना, वो संसार सागर के पार हो जाता है। अब वो बेचारी गांव की भोली भाली ग्वालिन थी, उसने कहा कि जब सीताराम सीताराम कहने से संसार सागर से पार हो जाते हैं, तो मैं रोज शहर में आती हूँ दही बेचने के लिए, नदी पार करनी पड़ती है, दो पैसा रोज मलाह को देना पड़ता है, तो क्या सीताराम कहने से मैं नदी पार नहीं हो जाऊंगी? वो गोली वाली महाराज विश्वासनी सीताराम सीताराम कह के नदी में घुस गई और पार हो गई। अब तो वो रोज आने जाने लगी।
पंडित जी को जब बताया तो पंडित जी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है भाई, सीताराम सीताराम कहो और नदी पार कर जा। जब वे गए तो डूबने लगे डूबने लगे हो पंडित जी, डूबने लगे और ग्वालिन पार हो गए। फिर ग्वालिनी से उन्होंने पूछा तो उसने कहा कि मेरा नाम ले लेना महाराज मेरा है? तो वो ग्वालिनी वाले जो सीताराम है ना वो हमको पार करें। अब वो ग्वालिनी के सीताराम सिद्ध सीताराम हो गए, वो ग्वालिनी के विश्वास से सिद्ध सीताराम। जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के श्याम, तुलसी के राम, मीरा के गिरधर नागर, इनका भजन करना चाहिए। देखो कहने का अभिप्राय है कि महापुरुषों ने जिस रूप का भजन किया है, महापुरुषों ने जिस नाम का उच्चारण किया है, शास्त्र में जिस नाम के जिस रूप की उपासना का वर्णन है, उसको भगवान समझ करके उसकी उपासना करना हो, बहक में नहीं पड़ना। तो भजनीय के स्वरूप का निश्चय करना, राम भगवान का सिद्ध रूप है, कृष्ण भगवान का सिद्ध रूप है, नरसिंह भगवान का सिद्ध रूप है, शिव भगवान का सिद्ध रूप है, देवी भगवान का सिद्ध रूप है, गणेश भगवान का सिद्ध रूप है, माने जो शास्त्रोक्त भगवान का स्वरूप है। तो बोले ये पांच सात क्यों बताते हो, कोई एक ही रूप पक्का कर दो ना कि यही भगवान का रूप है। बोले नहीं, उसमें बड़ा खतरा है। ये जो अयोध्या वाले कहते हैं कि राम कृष्ण नहीं राम ही, और वृंदावन वाले कहते हैं कि राम नहीं कृष्ण ही, ये खतरे का काम है। क्यों, क्या खतरा है इसमें? तो देखो जो उसमें बुद्धि है सो बता देते हैं। तो उसमें खतरे का काम ये है कि तब भगवान का जो निराकार रूप है, ब्रह्म रूप है, सर्व में जो एक रूप है, उसका बोध नहीं होगा। असल में अंत में तो सर्व रूपों में जो एक स्वरूप है उसका बोध होना आवश्यक है ना। इसलिए पांच रूप जब सामने रखा तो इन पांचों में जो एक है, वो जो राम में भी है, कृष्ण में भी है, शिव में भी है, गणेश में भी है, शक्ति में भी है, सब जगह है, खतरे का काम नहीं करना। अनेक रूप बताने का अर्थ ही है कि जो अनेक में एक है वो भजनीय का स्वरूप है, वो पुरुषोत्तम है, वो ब्रह्म है, वो साक्षात प्रभु है। ये बहुदेव उपासना नहीं है। ये लोग विदेश में पढ़ के आते हैं ना, या विदेशियों की किताब पढ़ते हैं तो कहते हैं हिंदू लोग पहले बिल्कुल जंगली थे, जंगली आदमी। हाँ ये वेद क्या है कि बोले गडेरियों के गीत हैं, ये लोग भेड़ चराया करते थे, जैसे आजकल लोग बिरहा लुरकी नैकवा गाते रहते हैं, ऐसे ये पुराने बड़े बूढ़े लोग जो अपनी मौज से गाते रहते हैं, उसी का नाम एक तरह की ये मैथालोजी है। माने ये मिथ्या कहानियां हैं, मिथ्या, ये मिथ्या मिथ्या कहानी है ये। तो वो बात नहीं भला, हिंदू तो बहुदेववादी हैं, इनके तो ये ईश्वर का रूप जाता ही नहीं था, ये नहीं जानते थे एक ईश्वर है। अरे वो जानते थे कि अगर ईश्वर को एक रूप रख दोगे तो वो पट कर परिच्छिन्न हो जाएगा, वो कट जाएगा, और जब अनेक रूप में एक रूप का हम प्रतिपादन करेंगे तो वो अपरिच्छिन्न सिद्ध होगा। इस बात को जानते थे, एकम साध विप्रा बहुधा वदन्ते। तो वो बाबू लोगों वाली बात नहीं है, बहुदेववादी नहीं। अनेक रूप जो शास्त्र सिद्ध, संप्रदाय सिद्ध और सिद्ध पुरुषों के द्वारा आराधित जो भगवान का रूप है, हरिदास जी के द्वारा आराधित बिहारी जी, हरिवंश जी के द्वारा आराधित राधा वल्लभ, गोपाल भक्त के द्वारा आराधित राधा रमन जी, ऐसी भिन्न भिन्न स्थानों में जो भगवान के महात्माओं के द्वारा आराधित रूप है, उनका भजन करना चाहिए। बोला भजनीय के स्वरूप का निश्चय, या सब में एक जो निराकार ब्रह्म है, परमात्मा है, पुरुषोत्तम है, उसका भजन करना चाहिए। बोले नहीं, हम तो अपने बेटे को ले लेंगे गोद में, हम तो उसको ब्रह्म मानेंगे। बोले इससे क्या होगा? क्या हमारी भक्ति में इतनी शक्ति है, हमारे संकल्प में इतना बल है कि हम उस बच्चे को भगवान बना के दिखा देंगे। अरे तो अभी चलो भाई, है ना, अभी भक्ति से तुम बहुत दूर हो, ऐसे भक्ति नहीं होती है। नारायण कहो तो फिर भक्ति कैसे होती है? देखो तो भक्ति की आवश्यकता, भक्ति का प्रयोजन, जिसका भजन करना है उसके स्वरूप का दृढ़ निश्चय, का उसके बाद क्या नाम है उसका, नाम भी वही होना चाहिए हो जो पुराना महात्माओं के द्वारा माना हुआ नाम है वही। ये नहीं कि एक गढ़ के नाम रख दिया, तो गढ़ के नाम नहीं रखना। महात्मा लोग साबर मंत्र है ना, पहले के साबर मंत्र, वो महात्मा लोगों के मुंह से जो ऊटपटांग शब्द निकल जाते थे वो मंत्र हो जाते थे। तो महात्मा लोगों का बोला हुआ जो नाम होता है उसमें शक्ति आती है, वो नाम लेना। तो अब
नाम रूप नाम और अपने प्रभु में क्या क्या गुण हैं उनका भी ज्ञान होना चाहिए। मृदुर दयालु हो, बड़े कोमल मृदु हैं, दयालु हैं, परम पवित्र हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, मधुराती मधुर हैं, उनके गुणों का ज्ञान होना चाहिए। ये सब जिस शास्त्र में ये सब बातें लिखी हैं उनको जानना। और फिर भक्ति कैसे होती है? तो भक्ति होती है सेवा से और ममता से। तो चित्त में ममता जब आती है ना, अरे महाराज अपने को निछावर करके रख देते हैं। यही तो ममता का तो स्वरूप ही है, ये मेरा है, मेरा कहते ही मैं गौण हो गया, मैं है परंतु गौण हो गया, मेरा मेरा मेरा, प्रभु के प्रभु मेरा है। दूसरे को मेरा कहोगे तो बंधोगे, प्रभु को मेरा कहोगे तो दूसरों से छूट जाओगे। ये ऐसी बात है, दृष्टांत से आप इसको समझो कि जैसे पत्नी है, पत्नी किसी की, तो वो अपने पति की उपासना करे, तो ईश्वर रूप है ये, चलो बात चल सकती है, ये भी शास्त्र है। तो क्या होगा कि इससे अन्य पुरुष के प्रति जो प्रीति है वो छूट जाएगी, है ना। शिष्य है अपने गुरु की उपासना करे, है ना, तो इससे क्या होगा कि अन्य के प्रति जो प्रीति है वो छूट जाएगी। तो अन्य के प्रति प्रीति छुड़ाने में ये उपयोगी है ना, क्योंकि इसमें हजार को छोड़ के मन को एक जगह ले आए ना, एक जगह ले आए। तो ये तो लौकिक दृष्टांत है, ऐसी समझो हजार हजार रूपों में से हटा करके भगवान के एक रूप में, भगवान के एक नाम में निष्ठावान हो जाना चाहिए। दिल हो कोमल, ममता हो भगवान से, बारंबार उसके नाम का उच्चारण हो और वृत्ति सदाकार होती जाए। माला तो कर्मे फिरे और जीव फिरे मुखमान और मनुआ तो चौदित फिरे, यह तो सुमिरन नाम, इसका नाम सुमिरन नहीं है। का सुमिरन कब होता है? जैसे देखो एक बार बेटा याद आया, फिर वो शांत हो गया, फिर बेटी याद आ गई, तो फिर बेटा बेटी दोनों की माँ याद आ गई, तो फिर बेटा बेटी की जो माँ है ना उसकी सास याद आ गई, ससुराल पहुंच गए, ऐसे होता है ना। तो इसके संबंध से ऐसा स्मरण होता है। तो कैसे करना, तो देखो बेटा की जगह पर भी भगवान ही याद आवे, बेटी की जगह पर भगवान याद आवे, दोनों की माँ की जगह पर भगवान याद आवे और सास की जगह पर भगवान याद आवे। याद तो रहे परंतु चार की न हो एक की हो, इसको भगवदाकार वृत्ति कहते हैं। बोला इसका नाम भगवदाकार वृत्ति, भगवान में एकाग्रता। शांतोदित तुल्य प्रत्यय, जो प्रत्यय शांत होवे वही प्रत्यय उदित होवे। घटा 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 घटा, एकाग्रता हो गई घट में, चार बार मन में घड़ा ही घड़ा आया, बीच में कोई दूसरी चीज नहीं आई, तो ये समझो कि चार क्षण तक हमारी वृत्ति घट में एकाग्र हो गई। इसी प्रकार कृष्ण 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 राम 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 राम, इस तरह से वृत्ति तो अपनी और उसमें आने वाला, जैसे देखो तुम्हारे घर में शीशा लगा है, उसमें चार जने जब निकलते हैं दरवाजे के सामने से तो चारों दिखते हैं, अभी ये दिखा अभी ये दिखा, ये जा रहे हैं ये जा रहे हैं ये जा रहे हैं। तो ये दिल जो है वो शीशा है और इसमें ये दुनिया के लोग जो आते जाते हैं ना, आँख की खिड़की में से इनकी तस्वीर पड़ती है दिल में। तो अब अपने दिल के शीशे को ऐसा बनाओ कि उसमें एक ही व्यक्ति बार 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 वही आता हुआ मालूम पड़े, वही बार बार आता हुआ मालूम पड़े, हंसता हुआ मालूम पड़े, खेलता हुआ मालूम पड़े, खाता हुआ मालूम पड़े, और उसमें भगवत अपना अकेला माना हुआ भगवान न हो, समाज का माना हुआ भगवान हो जिसको सारा समाज मानता है, गुरु का माना हुआ भगवान हो, शास्त्र का माना हुआ भगवान हो, संप्रदाय का माना हुआ भगवान हो। देखो भाव कैसा पक्का होता है। और बोले हम अपने बल पर मानेंगे तो अभिमान पक्का होगा, बोला अपने बल पर मानोगे तो भगवान पक्का होगा, निगुरा को भगवान कभी नहीं मिलता। इसीलिए कहते हैं कि निगुरा को भगवान नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता, कि निगुरा का अभिमान बड़ा भारी है। बोला हमारी बुद्धि और हमारी अक्कल और हमारा अभ्यास, कई लोगों के बीच बीच गुरु होते हैं हमारा, अब वो भला कभी आंख बंद करके गुरुओं की याद करते होंगे तो क्या पांच की पांच आती होगी मजे से। हमारे एक ब्रह्मचारी थे वृंदावन में, तो कोई 20 देवता की फोटो उन्होंने लगा रखे थे, ईश्वर कृपा से उन्होंने ये नियम लिया था कि मैं जीवन में गुरु नहीं बनाऊंगा। वो तो कोई ऐसा प्रसंग आ गया सन 21 के सत्याग्रह में कि तीन जनों ने ये व्रत लिया कि बस हम गुरु नहीं बनाएंगे, निगुरे ही रहेंगे जीवन भर।
उनमें से एक तो मर गए, एक बहुत प्रतिष्ठित हैं, तो उनकी चर्चा तो की नहीं जा सकते, और एक सज्जन जो हैं वो हमारे आश्रम में रहते थे, उन्हीं तीनों में से। तो 20 तस्वीर उन्होंने अपने कमरे में लगाई थी और माला फेरते थे। तो पूछा महाराज कि ये 20 में से आपके इष्ट देव कौन है ब्रह्मचारी जी? बोले कि 2 माला इनकी फेरता हूँ, 3 इनकी फेरता हूँ, 5 इनकी फेरता हूँ, 1 इनकी फेरता हूँ। 20 में से तुम्हारे इष्ट देव कौन है? डर लगता है कि इनमें से किसी एक को मानेंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा। डर लगता है, वो कहते थे डर लगता है वो कि इनमें से कहीं कोई नाराज ना हो जाए। ये सच्ची बात आपको बताते हैं। लेकिन एक बात आपको बताऊं, उनकी ये जो चंचलता थी ना, उनको पकड़ के रखने में समर्थ नहीं, भेज दिया संसार में, भेज दिया। ये एक में निष्ठा का न होना, ये उनके संसार में पतन का कारण बन गई। गए नारायण कहो, नारायण कहो। तो इसका मतलब ये है कि भाई अपने दिल को मुसाफिर खाना नहीं बनाओ। भक्ति का अर्थ ये है कि अपनी चित्त वृत्ति में एकाग्रता जमे, प्रेम जमे, निष्ठा जमे, ईश्वर बुद्धि जमे, संसार को छोड़ने की जो वृत्ति है वो आवे, तो भक्ति शास्त्र का मनन करना चाहिए। अच्छा एक बात और, भक्ति का फल क्या होता है इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। भक्ति करने वाले भी नहीं जानते हैं कि भक्ति का फल क्या है। अभी वो कल श्लोक सवेरे वहाँ आने वाला है, आस्थित सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमाम गतिम मामेव आस्थित। बोले भक्ति का फल धन तो है नहीं। अच्छा भक्ति का फल यह है कि खूब काम करो का नहीं, वो भी नहीं है। अच्छा भक्ति का फल है कि कामना की पूर्ति हो जाए का, सो भी नहीं। अच्छा भक्ति का फल क्या है कि मुक्ति मिल जाए, तो बोले वो भी नहीं। अच्छा भक्ति का फल है कि भगवान का दर्शन हो जाए, तो दर्शन देने के बाद भगवान तुम्हारे मुट्ठी में थोड़ी बंधे रहेंगे हर समय, कि हर समय तुम्हारी आंखें के सामने खड़े रहे, उनको सारी दुनिया पड़ी है देखने को, तुम्हारे तरीके लाखों भगत हैं उनके, तो तुम्हारी मुट्ठी में कैसे रहेंगे दर्शन के बाद। तो देखो भगवान के मिलने के बाद भी भगवान की प्रीति ही मिलती है, बोला भक्ति का फल भक्ति ही है। भक्त्या संजातया भक्त्या विव्रत उत्पूल काम सनो, आप भगवान का जो नाम लेते हो भगवान का दर्शन होने से ये नाम बदल नहीं जाएगा। भगवान ये नहीं कहेंगे कि ये गुरु का बताया हुआ नाम छोड़ दो, अब हम एक नया नाम और तुमको बताते हैं, बोला ये नहीं समझना कि अभी तो हम गुरु का बताया रूप ध्यान करते हैं और जब भगवान हमको मिल जाएंगे तो कोई और नया रूप दे जाएंगे कि अभी इस रूप का ध्यान करो। अभी तो हम भगवान की सेवा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, जब भगवान मिलेंगे तो कोई दूसरी सेवा, कोई दूसरा प्रेम मिलेगा। इसी उम्मीद में लोग क्या करते हैं कि इस नाम का, इस रूप का, इस सेवा का, इस भक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। वो समझते हैं अभी असली तो मिलना बाकी है, ये तो नकली है, बोला भगवान मिलेंगे तब न जाने कैसा कर देंगे। अरे बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं इसी को पक्का कर देंगे, बोला इसी को पक्का करेंगे। भगवान अगर अपनी इच्छा चलाते हो किसी दूसरे पर तब तो भगवान भगवान ही नहीं हो, वो अपने ऊपर दूसरों की इच्छा चलने देते हैं, अपनी इच्छा किसी पर नहीं चलाते हैं। यही तो आनंद है भक्ति का। वो तुम्हारा आज वाला जो मंत्र है, नाम है, वो भगवान मिलेंगे तो बदलेंगे नहीं, ये रूप नहीं बदलेंगे, ये ध्यान नहीं बदलेंगे, ये प्रीति नहीं बदलेंगे। भक्ति का फल जैसा जीवन, तुम क्या जीवन अपना बदलना चाहते हो? तुम ये चाहते हो कि आज जो हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, आगे जो हमको मिलेगा तो ठीक है, तो आज वाला साधन तुम्हारी मदद कैसे करेगा? तुम तो कहते हो कि हे आज वाले हमारे साधन तुम गलत हो, यही ना कह रहे हो कि हे आज वाले हमारे साधन तुम गलत हो? बोले भाई अभी तो गुरु जी ने बताया है तो कर रहे हैं, जब भगवान मिलेंगे तो जो कुछ बताएंगे जो करेंगे। तो बोले आज वाले गुरु जी गलत हो गए, अब गलत हो गए तो उनका बताया साधन कहाँ से काम करेगा, उसको तो मार दिया ना, निष्प्राण हो गया। तो साधन को हम स्वयं निष्प्राण करते हैं, कैसे? बोले सीताराम 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 सीताराम, फिर बोले मैं बड़ा पापी हूँ महाराज। सीताराम ने कहा कि मैं पापी हूँ, इतनी देर में जो तुमने बात कही है, अगर उसकी जगह एक बार सीताराम और कहते तो कैसा रहता? आप सोच लो, अकल की बात सोचो कि 4 बार तो कहा सीताराम 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 और फिर बोले मैं बड़ा पापी हूँ, तो सीताराम ने कहा कि ये कहना बहुत जरूरी था क्या? ये कहना बहुत जरूरी था। सीताराम सीताराम 4 बार कहने के बाद तुमने ये कहा कि हे चारों बार के सीताराम, तुम्हारे उच्चारण से हमारा पाप तो अभी नहीं मिटा है ना, मैं तो पाप से दबाई हुआ हूँ,
अरे एक बार और सीताराम कह लेते भाई, मैं पापी हूँ बोलने की जगह सीताराम और बोल लेते एक बार, तो भक्ति जो है उसकी महिमा। बोले मंदिर में बैठे हैं, भगवान के सामने बैठे हैं, बोले महाराज मैं बड़ा पापी हूँ। भगवान हंसे, बोले कि देखो तुम बहुत बड़े पापी होते तो मेरे सामने तो आ ही नहीं सकते, लेकिन तुम हमको इतना कमजोर समझते हो कि पाप मेरे सामने आके बोलता है कि मैं पाप हूँ, इतना कमजोर तुम हमको समझते हो। अरे बाबा हमारे सामने पाप नहीं आता है, तो नारायण कहो हम भगवान के हैं, उनके अंश हैं, उनके प्यारे हैं, उनके ममतास्पद हैं, उनके भोग्य हैं। भगवान हमारा भोग करे और हम अशुद्ध, हम भगवान के हों और पापी। नारायण नारायण नारायण। तो ये क्या हुआ, ये देखो ये भक्ति का अपराध है। बोला भक्ति माता कहती है कि मेरी गोद में रह करके ये डर रहा है बस। तो भक्ति शास्त्र का चिंतन मनन करना चाहिए। अच्छा बोले फिर आओ इसी में लग जाए, तो नहीं, जब पैसा होवे ना तो पैसे को भी भक्ति में लगाना, नहीं तो भक्ति बढ़ेगी नहीं। बोले अरे भगवान के भक्ति के लिए पैसे की क्या जरूरत है, तो तुम्हारा बना रह जाएगा पैसा। उसमें लालच के कारण खर्च नहीं हो रहा, इस बात को आदमी नहीं समझता है, लोभ के कारण खर्च नहीं हो रहा है। अच्छा बोले काम करने की क्या जरूरत है, भाव करो, आंख बंद करके बैठे हैं भगवान का भजन कर रहे हैं। नहीं नहीं हाथ पांव भी लगाओ भगवान के लिए, नहीं तो तमोगुण आ जाएगा, जो चलेगा नहीं, परिक्रमा नहीं करेगा, और परिक्रमा करने की जगह न मिले तो अपने घर में मेज पर ठाकुर जी की मूर्ति रख लो और 108 बार उसको घूमो, परिक्रमा कर लो। अरे 108 परिक्रमा की है भगवान के, तो उससे तमोगुण दूर होगा, तमोगुण मिटेगा उससे। खूब महाराज डट के बादाम पीसो अपने हाथ से, काहे के लिए पीस रहे हो, भगवान को भोग लगाने के लिए। अरे भगवान को कोई खाने की जरूरत है, भगवान को खाने की जरूरत नहीं है, जरा आप परिश्रम भगवान के लिए सेवा करोगे ना तो तुम्हारा जो रजोगुण है वो शुद्ध होगा, तुम्हारा रजोगुण शुद्ध होगा। बोला तो अपना अर्थ और अपना कर्म दोनों भगवान के लिए लगाना और मन भगवान में लगाना। बोले भगवान के लिए तो बस मन की पूरी भगवान को खिला दी और सच्ची पूरी खुद खा ली, इससे क्या होता है। ओ बोले भाई एक ख्याली पुलाव पकाने से, ख्याली पुलाव पकाने से पेट जल्दी नहीं भरता, उसी से भरता है ख्याल। अगर मान लो कोई खा ले उसके पेट में पहुंचा दिया जाए और उसको ख्याल ना हो तो अपने को भूखा भूखा अनुभव करेगा, ख्याल भी चाहिए। लेकिन जब द्रव्य और क्रिया दोनों के साथ जब भावना होती है तब भावना में पकाई, भावना में सच्चाई आती है। और नहीं तो बोले भाई पैसा तो कोई ठग न ले और हमसे कोई जरूरत से ज्यादा कोई सेवा न ले ले, हम तो बस मन मन में भगवान को भोजन कराते हैं। बाहर भोजन बनाते हैं तो भिखारी लोग आ जाते हैं और सब मांग के ले जाते हैं, है ना, तो भगवान तो खाते नहीं है, वो तो भिखारियों के हाथ लगता है, तो कौन रोटी बनावे, है ना। भगवान को मन मन खिला दो और भिखारियों को लौटा दो दरवाजे पर से, कि नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे भक्ति नहीं होती है। भक्ति शास्त्र को ठीक समझना चाहिए। जैसे हमारे घर के काम बिना धन के और बिना क्रिया के, हमारे शरीर के काम संपन्न नहीं होते हैं, वैसे भगवान के लिए संसार की वस्तुओं की कीमत कम करके और अपनी भावना के साथ उसको जोड़ना चाहिए। तो तदुद्बोधक कर्माणि अपि कर्तव्यानि, ये नहीं कि निकम्मे बन गए, आलसी बन गए, नींद ले रहे हैं। बोले कहाँ, हम तो भगवान के भजन में मगन थे। अरे भाई अपने को धोखा देते हो तो दूसरे को देते हो। आलस आया है न बाहर सूझता है न भीतर सूझता है, भगवान का भजन होता है प्रकाश होता है भीतर, भगवान का धाम प्रकट होता है भीतर, अंधेरा नहीं दिखता है। कई भजन करने बैठे हैं और अंधेरा ही अंधेरा सूझ रहा है, बोले भजन करके उठे हैं, नहीं अभी तो इस अंधेरा को हटाने के लिए काम करने की जरूरत है, भीतर प्रकाश दीपक प्रज्वलित कर। तो बिना काम के भाव भी पक्का नहीं होता है, बिना कर्म किए मन पर जैसा प्रभाव पड़ना चाहिए वैसा प्रभाव नहीं पड़ता। तो ईश्वर के लिए कर्म भी करना, ईश्वर के लिए धन भी लगाना, ईश्वर की चर्चा भी करना और खूब चिंतन करना, और एक चीज की प्रतीक्षा रहनी चाहिए, प्रतीक्षा प्रतीक्षा इंतजार। अब आजकल तो प्रतीक्षा शब्द बहुत हल्का पड़ गया, वैसे है ये वैदिक शब्द, आशा प्रतीक्षे संगच्छे धाम। हमारे जीवन में आशा आवे और प्रतीक्षा आवे, ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करेंगे ये आशा होवे
और अब करते हैं, अब करते हैं, अब करते हैं, क्षण क्षण प्रतीक्षा। तत्ते लुकंपा सुसमीक्षमाण भुंजान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग बपुर्भिर् विदधन् नमस्ते जीवेत जो मुक्ति पदे सदाय भाग। वो समय कब आएगा जब हमको संसार की वस्तुओं के मिलने से या संसार की वस्तुओं के जाने से न सुख होगा न दुख होगा, कुछ नहीं। जैसे हवा चलती रहती है, तृण जैसे हवा में उड़ते हैं, वैसे कोई चीज दुनिया में आके साथ लग जाती है, कोई चीज दुनिया में आती है चली जाती है। क्या रखा है तो कई धन के जाने से ही दुख होता है और धन के आने से सुख हो जाता है, और शत्रु के आने से दुख होता है और जाने से सुख होता है। कई चीजों के आने से सुख होता है, जाने से दुख होता है, और कई चीजों के आने से दुख होता है और जाने से सुख होता है। बोले ये जो चीजों के आने जाने के साथ हमारे मन का सुख दुख जुड़ा हुआ है, ये भक्ति का बड़ा भारी विघ्न है। रिश्तेदार नातेदार कोई आ गए तो सुखी हो गए और चले गए तो दुखी हो गए, और कोई वो आ गए तो दुखी हो गए और चले गए तो सुखी हो गए। अरे बाहर था चला गया, तो जब तक रिश्तेदार नातेदारों के आने जाने से अपनाकार दुखाकार वृत्ति उदय होती है, जब तक संसार की वस्तुओं के आने जाने से अपने चित्त में सुखाकार दुखाकार वृत्ति उदय होती है, जब तक संसारी वस्तुओं के लिए इच्छा होती है, और जब तक संसारी वस्तुओं के लाभ का लोभ होता है, तब तक चित्त वृत्ति संसार में लगी है। बोले वो समय कब होगा जब बस हम होंगे और होंगे हमारे भगवान, संसार बस की वस्तुओं के आने से जाने से मिलने से न मिलने से न सुख न दुख, हम उनमें तृप्त होंगे, हम संसारी वस्तुओं में तृप्त नहीं होंगे। क्षणार्धमपि व्यर्थम् न नेयम्, आधा क्षण भी व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। ये समय करोड़ रुपया दे करके भी कोई चाहे कि आधा क्षण मिल जाए तो आधा क्षण मिलने वाला इसकी कोई कीमत नहीं है, इसको भगवान से भर करके रखो, व्यर्थ मत गवाओ। अच्छा, अब इस प्रसंग को फिर कल सुनाएंगे।